और हैरानी की बात यह है कि यूपी पुलिस के पास वारदात के कई घंटे बाद भी इस वीडियो के अलावा और कुछ नहीं। नीरज वाल्मीकि पर हमले के फौरन बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नीरज वाल्मीकि दम तोड़ चुका था। नीरज वाल्मीकि प्रयागराज के कैंट इलाके में ही रहता था और दुर्गा पूजा भी खुद नीरज ने ही करवाई थी। मर्डर के फौरन बाद पुलिस भी पंडाल में पहुंच गई। सरेआम मर्डर के बाद पंडाल खाली हो चुका था। डर के मारे पंडाल छोड़कर भागे लोगों के जूते चप्पल पंडाल में जगह जगह मौजूद थे। पुलिस ने मर्डर की जगह को कुछ टेबल लगाकर सील कर दिया और जांच शुरू की। जमीन पर बिछे कारपेट पर भी नीरज का खून बिखरा था, इसलिए पुलिस वालों ने कारपेट के हिस्से काट कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए। पंडाल में दिख रहे लोगों से काफी देर तक पूछताछ की गई। दुर्गा पूजा पंडाल बंद कर दिया गया। इस हत्याकांड के बाद यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पूजा पंडाल को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो स्टॉल लगे थे, जो दुकानें लगी थी, वो भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अब खौफ का माहौल है। पुलिस दावा कर रही है कि हत्यारे जल्द ही अरेस्ट किए जाएंगे। पुलिस जो हमलावर है उनको भी ट्रेस करने का प्रयास करिए, जल्दी केस का खुलासा किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के इशारे पर मुंबई में हुई कुछ हत्याओं में भी नीरज वाल्मीकि शामिल रहा था, तो प्रयागराज में भी कई हत्याओं में नीरज का हाथ था। कई सारे जो घटना या हत्याकांड जो शहर में हुए उसमें नीरज वाल्मीकि का नाम पहले आया था और उस पर पुलिस ने संगीन छानबीन भी करी थी। कुछ मर्डर के मुकदमे भी इसके ऊपर दर्ज है, लेकिन हत्यारों की अब तक पहचान तक नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ये मानकर चल रही है कि हत्यारा नीरज वाल्मीकि की जान पहचान का था, क्योंकि हत्या से पहले वो नीरज से बातचीत करता भी दिख रहा था। लेकिन तस्वीरें सामने होने के बावजूद न तो हत्यारों की पहचान हुई, न ही ये साफ हो पाया कि हमलावर किस गैंग से थे। जिसकी हत्या हुई वो भले ही एक गैंगस्टर हो, लेकिन सरेआम भीड़ के बीच गोलीबारी और बमबारी लोगों को डराने वाली, इसीलिए लोग कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। आमतौर पे बीच शहर में पिस्टल लेकर के और गन्स और बम्स लेकर के कैसे चल सकते हैं, ये तो एकदम कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट पर पॉलिटिकल अटैक भी शुरू हो गए। कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, साथ ही सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं कि अगर असलहे बम इतने खुलेआम लोग एक दूसरे पर फेंक रहे हैं तो अर्धकुंभ में हमारे जनता की क्या सुरक्षा व्यवस्था। तो बीजेपी को भी भरोसा है कि हत्यारे जल्द ही पकड़े जाएंगे। जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। मरने वाला भी थ्री सीटर है, ये तमाम सारे एंगल पहले से ही दुश्मनी के दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिकल हंगामे की बड़ी वजह यह भी है कि जिस दिन इलाहाबाद को योगी सरकार ने प्रयागराज का नाम दिया, उसी दिन गैंग वॉर ने शहर में हुंडा राज का एहसास करा दिया।